हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेप कर पर। देख लीजिए, 1 लाख फ्री टेस्ट बुकलेट और ये 29 दिसंबर सुबह 10 बजे आपको दी जाएंगी। एक बार सभी लोगों का स्वागत है। सुबह के 5 बजे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग निद्रा से थोड़े से आंखें खोलिए, अपनी चुनमुनाती आंखें खोलिए भाई। वेलकम टू नासा सीरीज। जो सुबह का नासा सीरीज अपन ने चलाई थी, जो आप लोगों ने चलवाई थी, उसी के अंदर आपका स्वागत है। अब अपन आ चुके थे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत के स्थान के बारे में। इन्हें जारी कौन करता है, ऐसी तमाम जानकारियों के साथ ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो बच्चा, यहां अपन लिख रहे हैं जारीकर्ता संस्थान, यहां शीर्ष देश लिखेंगे और ये भारत का स्थान होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो कि मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का 40वां स्थान है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है, ये याद रखिएगा। और इसमें प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का स्थान है। जितने भी ये सारे के सारे इंडेक्सेस होंगे, इनमें स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं इनका पहला स्थान होगा, क्योंकि ये विकसित हैं और छोटे देश हैं, जनसंख्या यहां कम है, इसलिए भी ऐसा देखा जाता है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO के साथ मिलकर काम करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्थान आयरलैंड का है, भारत का इसमें स्थान है 46वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ऐसे कुछ कुछ सूचकांक मैं बताऊंगा जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 40वां स्थान है। इससे अगला आता है हमारे पास वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स या ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको जारी कौन करता है? कोर्टेवा एग्रोसाइंस जारी करता है। भारत का इसमें स्थान है 71वां। भारत का स्थान देखने को मिलता है। ये दोनों वैश्विक नवाचार सूचकांक और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपको जरूर याद रखना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिशन इंडेक्स जो IMD द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान 43वां है और पहला स्थान नीदरलैंड का। याद रखना, भारत का वैश्विक नवाचार में 46वां स्थान है और इससे प्रतिस्पर्धा में 43वां है। पहले कंपटीशन करेंगे, फिर इनोवेशन करेंगे। तो पहले 43वां, फिर 46वां और फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का 71वां स्थान देखने को मिलता है। इसी तरीके से बाकी के सूचकांकों पर मैं नजर डालूं तो बाकी के सूचकांक इस प्रकार हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 याद रखना, इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 122वां स्थान है। युवा विकास, यूथ डेवलपमेंट, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 122वां स्थान है और इसे जारी कौन करता है? राष्ट्रमंडल सचिवालय इसे जारी करता है। इसे इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद करना है इसे वैश्विक साइबर सुरक्षा, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसे अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ जारी करता है और अमेरिका पहला स्थान है। अमेरिका, भाई साइबर सुरक्षा की बात है और अमेरिका की बात ना है, ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका का भारत में स्थान, अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का 10वां स्थान यहां पर आपको सभी को देखने को मिलता है। एक अलग नया संस्थान है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो स्टार्टअप, नए स्टार्टअप, स्टैंडअप, स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम भारत में चल रही है, इसके कारण भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ स्थान बढ़ा लेकिन कुछ घटा भी। सरकार द्वारा एंजल टैक्स जैसे टैक्स लगाए गए, इसके कारण ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर और 20वां स्थान है मेरे प्यारे भारत महान का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान 20वां है लेकिन वैश्विक साइबर सुरक्षा में भारत का स्थान 10वां है और दोनों में जो अग्रणी संस्थान है, अग्रणी जो देश है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अगला जो सूचकांक आपको याद रखना है, विश्व शांति सुरक्षा शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये आईईपी द्वारा जारी किया जाता है और भारत का इसमें स्थान है 135वां। ये गिरा है, पहले से पहले अच्छा स्थान आया करता था, अब लगातार ये गिरता जा रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक जो आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में कोर्सेरा द्वारा, कोर्सेरा आपको याद होगा, कोर्सेरा का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, एक वेबसाइट है जहां पर अलग अलग कोर्सेज आप जाके सीखते हो, इसके द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान 67वां है, 67th है, और इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। ग्लोबल गिविंग इंडेक्स इतना ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है, भारत का 14वां स्थान है। हाँ, लेकिन आपको यह याद रखना है, ये जो अगला सूचकांक है ये बेहद आपको बहुत जरूरी है याद रखना, समावेशी इंटरनेट सूचकांक, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की यहां पर बात चल रही है। सस्टेनेबल इंटरनेट इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट, माफ कीजिएगा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इसे बोलते हैं। ये कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करते हैं। स्वीडन का पहला स्थान है, भारत का इसमें स्थान है 49वां। ग्लोबल इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान बढ़कर 49वां हो चुका है। अगला इंडेक्स देखें, अगले इंडेक्स पर नजर डालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो चैंडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान 49वां है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था समावेशी इंटरनेट, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, उसमें भारत का स्थान 41वां है, लेकिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। इनफैक्ट 2014 से लेकर 2017 तक आप यदि आईएएस का एग्जाम भी उठाओगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स उठाओगे, तो लगातार ऐसा सवाल पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। यह विश्व इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 140वां है, यह लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, ये अर्नेस्ट यंग के द्वारा जारी किया जाता है, अर्नेस्ट एंड यंग एक कंपनी, उसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का 3रा स्थान है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक कि किस देश में अक्षय ऊर्जा के प्रति, अक्षय ऊर्जा मतलब जो पारंपरिक तरीके से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसके अलावा जो तरीके होते हैं वो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण में जो अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत 3रा स्थान है। अगला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करूं तो यह हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहला स्थान सिंगापुर का है और भारत का स्थान इसमें 121वां देखने को मिलता है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान इसमें आपको सिंगापुर का देखने को मिलेगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, और इसको बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम सूचकांक जो हेरिटेज इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है, फिर आगे के अगले क्लास में करेंगे, कल अपने ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल होम प्राइसेस इंडेक्स, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरों की कीमतों में वृद्धि देखी जाती है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। तुर्की का पहला स्थान है, भारत का स्थान इसमें 55वां है। इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, भारतीय सरकार द्वारा हाउस फॉर ओल्ड स्कीम चल रही है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये याद रखना, ये है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वैश्विक बौद्धिक क्षमता सूचकांक जो GIPC ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया जाता है। बौद्धिक संपदा क्या होती है?
एक तो संपत्ति होती है आपने घर बनाया बनाया, बौद्धिक संपदा होती है कि आपने बुद्धि से कोई संपदा बनाई, बुद्धि से मैंने मेरी बुद्धि का प्रयोग करके मैंने कोई आविष्कार करा और मैंने उसका पेटेंट करवा लिया, वो मेरे नाम हो गया, वो मेरी बौद्धिक संपदा हो गई। अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का इसमें 40वां स्थान देखने को मिलता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रैंक 2021 PSDCCI द्वारा जारी किया जाता है, भारत का स्थान दूसरा है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी कोई तगड़ी वाली बात है नहीं। हाँ, ये इंपोर्टेंट है, इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि ब्लूमबर्ग मैगजीन के कंपनी द्वारा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें पहला स्थान जो आया वो दक्षिणी कोरिया का है। साउथ कोरिया का यूजुअली आप नाम नहीं देखते तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पूछ लिया जाएगा। इनोवेशन इंडेक्स 2021, आप कोरिया ऑप्शन नहीं लगाओगे लेकिन इसमें पहला स्थान दक्षिणी कोरिया का है और भारत का स्थान इसमें 50वां है। आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं, एक दिन में सारे सूचकांक मत याद करना, जितना रोज बताता हूं उतना लिख लिया करो, बस याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक दो घंटे तक लगातार यही नहीं करवा रहा हूं, मैं सात आठ मिनट के आपके सेशन लेता हूं, कल इसको खत्म कर देंगे। आगे की क्लासेस में क्या होना चाहिए, आगे की क्लासेस में सुबह के नाश्ते की सीरीज में हमें क्या लाना चाहिए, आप जरूर हमें कमेंट में लिखकर बताना, और इसी जोश जुनून के साथ पढ़ते रहो और शेयर करते रहो और दबाकर सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, सी यू। जाने से पहले एक खबर कि 1,00,000 टेस्ट बुकलेट फ्री आपको दी जा रही है, कैसे मिलेंगी 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे आपको ये पता चलेगा, तो हमारे जो YouTube चैनल है प्रेप कर पर उस पर आना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लासेज में, तब तक लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, धन्यवाद, जय।